हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में 1919 के अधिनियम के अनुसार जो द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1909 में ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लाई थी, लेकिन यह अधिनियम अपना प्रभाव नहीं डाल पाया। कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही थी कि भारत की शासन व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए और सुधार लाए जाएं। गोखले ने भी अपनी योजना रखी और फिर अंग्रेज़ों के द्वारा 20 अगस्त 1917 को यह कहा गया कि हम एक और नया अधिनियम लाएंगे। और फिर 1919 का अधिनियम अंग्रेजी सरकार के द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में कहा गया कि ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत को उत्तरदायी शासन अभी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम उत्तरदायी शासन या स्थापित नहीं कर पाएंगे। उत्तरदायी शासन भारत में धीरे धीरे आएगा। और इस संबंध में स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में क्रमिक परिवर्तन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो इस अधिनियम के द्वारा यहाँ लाई गई थी, वह था द्वैत शासन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही भारतीय जो नेता थे वो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे। उत्तरदायी शासन हम किसे कहते हैं? वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाए और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 1909 में किसी तरह का उत्तरदायी शासन स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन 1919 में यह कहा गया कि आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी और इसके लिए प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन इंग्लिश के पर्यायवाची डायार्की से मिलकर बना है। डायार्की ग्रीक भाषा के दो शब्द डाई और आर्की से मिलकर बना है, जिसका मतलब है दोहरा शासन। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया। और दो भागों में बांटने के लिए कुछ विषय रखे गए रक्षित और कुछ विषय रखे गए हस्तांतरित। जो रक्षित विषय थे, उन विषयों से संबंधित मंत्रियों को बनाया गया अनुत्तरदायी, और जो हस्तांतरित विषय थे उनसे संबंधित मंत्रियों को बनाया गया उत्तरदायी। यानी शासन को दो भागों में बांटा, एक भाग को उत्तरदायी बनाया गया और एक भाग को अनुत्तरदायी बनाया गया। और एक तरह से रक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में विभाजन कर दिया गया। सुरक्षित विषयों के लिए माना गया या रक्षित विषयों के लिए माना गया कि रक्षित विषयों का प्रबंध गवर्नर जनरल अपनी परिषद के द्वारा करेगा, और जो हस्तांतरित विषय हैं इसमें वह मंत्रियों की सलाह से कार्य करेगा। जो महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे कि भू राजस्व है, अकाल है, न्याय है, कानून है, सिंचाई है, इन्हें रक्षित विषय बनाया गया। यानी रक्षित विषयों का कार्य करेगा गवर्नर जनरल और ये लोग उत्तरदायी नहीं होंगे। हस्तांतरित विषयों में बहुत ही कम महत्वपूर्ण जो विषय हैं वे रखे गए, जैसे पुस्तकालय, अजायब घर, और इनसे संबंधित मंत्रियों को बनाया गया उत्तरदायी। इस तरह से भारत के 9 प्रांतों में यह द्वैत शासन की प्रमुख रूप से व्यवस्था की गई। इस शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली है, जैसा भी आपको बताया, विषयों को दो भागों में बांटा गया। 51 विषयों से 22 विषय हस्तांतरित थे और बाकी विषयों को रक्षित रखा गया। जो महत्वपूर्ण विषय थे वो रक्षित थे और जो कम महत्वपूर्ण थे वे हस्तांतरित थे। दूसरा है, कार्यकारिणी का विभाजन कर दिया गया। गवर्नर की परिषद को अनुत्तरदायी बनाया गया, जो रक्षित विषयों का कार्य संभालेगी और बाकी जो हस्तांतरित विषयों से संबंधित मंत्री हैं उन्हें उत्तरदायी बनाया गया। नेक्स्ट है, प्रांतीय विधान मंडलों को अपने यहाँ शांति व
व्यवस्था के लिए कानून बनाने का अधिकार सौंप दिया गया, यानी प्रांतों की जो व्यवस्थापिका है उसे यह अधिकार दिया गया कि वह अपने यहाँ कानून निर्माण का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है, विधानमंडल संसद पर प्रभाव डालने वाले अधिनियमों का निर्माण नहीं कर सकते, यानी जो प्रांतों के विधानमंडल हैं वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कानून प्रांतों पर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो केंद्रीय संसद को प्रभावित कर सकें। प्रांतीय अखिल भारतीय सेवाओं को विभाजित नहीं किया गया, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन्हें वही रखा गया, यानी वो केंद्र सरकार की नॉमिनीस के रूप में ही रहीं। गवर्नर को निषेधाधिकार की शक्ति दी गई, यानी जो गवर्नर है उसे यह शक्ति दी गई कि वे प्रमुख रूप से प्रांतीय जो हस्तांतरित विषयों से संबंधित मंत्री हैं उनकी बात को नकार सकता है। द्वितीय सदनीय व्यवस्थापिका बनाई, यानी विधानसभा और राज्य परिषद का निर्माण किया गया। भारत परिषद में परिवर्तन किया गया, इसे समाप्त नहीं किया गया, इसमें परिवर्तन की नीति को मान्यता दी गई। इस तरह से ये कुछ विशेषताएं द्वैत शासन की थी, लेकिन यह शासन पूरी तरह से असफल रहा। लॉर्ड कर्जन जो कि स्वयं अंग्रेज थे, उनका यह मानना था कि मैं द्वैत शासन से घृणा करता हूँ। ब्रिटेन के एक विचारक का यह मानना था कि मैं तो शुरू से ही आशंकित था कि यह सफल हो पाएगा, यह एक आडंबर युक्त और गतिरोधक व्यवस्था थी। द्वैत शासन में बहुत से दोष थे जिनके कारण यह शासन असफल रहा। हम इनके दोषों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले है द्वैत शासन के आंतरिक दोष, यानी कुछ दोष जो व्यवस्था की गई थी उसके थे, और बाह्य दोष कुछ परिस्थितियों के दोष थे। आंतरिक दोष में पहला है सिद्धांततः दोषपूर्ण। सिद्धांततः द्वैत शासन दोषपूर्ण था। शासन को हम एक इकाई मानते हैं और हमेशा शासन एक होकर ही चलता है। राजा और उसके दरबारी अगर एक नहीं है तो शासन कभी अच्छे ढंग से नहीं चल सकता। या तो शासन को दो भागों में बांट दिया गया था तो इसलिए इसमें एक रूपता नहीं थी। दूसरा है विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। विषयों का जो विभाजन था वह अतार्किक और अव्यवहारिक था। किसी भी जो हस्तांतरित विषय से संबंधित मंत्री हैं उन्हें पूर्ण विभाग नहीं दिया गया था बल्कि उन्हें विभाजित कर दिया गया था। जैसे वीके रेड्डी का कहना था, मैं जंगलों के बिना विकास मंत्री हूँ, और आप सभी जानते हैं कि विकास का कार्यक्रम वनों पर निर्भर है। मैं उद्योग मंत्री हूँ लेकिन फैक्ट्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो यानी विभाजन इस प्रकार किया गया था कि हस्तांतरित विषय से संबंधित मंत्री स्वतंत्र रहकर कोई कार्य न कर पाए और कहीं ना कहीं वे रक्षित विषयों से संबंधित मंत्रियों से सहयोग लेना उनकी मजबूरी हो। तीसरा है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई थी। हस्तांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन तभी सफल हो सकता था जब गवर्नर वैधानिक हो, पर वह मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता था। हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी योजना तभी क्रियान्वित हो सकती है जब उसके लिए वित्त हो, लेकिन वित्त की कोई व्यवस्था नहीं थी। वित्त रक्षित विषय था और पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में था। नेक्स्ट है, मंत्रियों का लोक सेवाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था। जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे भी अपना उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल के प्रति ही वहन कर रहे थे और वे इन मंत्रियों को सहयोग नहीं देते थे, और इसीलिए मंत्रियों के लिए एक अपमान की बात थी कि वो जो कार्य करते थे वे गवर्नर से अपील करके ICS उन्हें बदलवा भी देता था। नेक्स्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। उत्तरदायी शासन का एक मूल मंत्र होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में नहीं था बल्कि वो तो विभाजित था और इसीलिए वह सामूहिक उत्तरदायित्व को वहन नहीं कर रहा था। विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि संगठित दल हो। दलों का कोई निश्चित संगठन नहीं था। जो निर्वाचित सदस्य थे वो किसी एक दल से संबंधित नहीं थे और इसीलिए टीम भावना से काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ आंतरिक परिस्थितियां थी जिसने द्वैत शासन को विफल बना दिया। कुछ बाह्य परिस्थितियां भी ऐसी थी
जिनके कारण द्वैत शासन असफल रहा। ये बाह्य परिस्थितियां इस प्रकार हैं। पहला है, द्वैत शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में हुआ था। देश का राजनीतिक वातावरण परीक्षण के लिए उचित नहीं था। भारतीयों के मस्तिष्क में कटुता थी, उदासीनता की भावना थी और इसलिए वो इसको सफल नहीं बना पाए। नेक्स्ट है आर्थिक दुर्दशा। वर्षा नहीं होने के कारण भारतीयों की स्थिति खराब थी और उस दुर्दशा के कारण वे अंग्रेजी सरकार को सहयोग नहीं करना चाहते थे। संगठित राजनीतिक दल का अभाव। भारत में कोई संगठित राजनीतिक दल नहीं था और इस कारण भी द्वैत शासन असफल रहा। कांग्रेस और लीग में असहयोग। इस समय तक लीग विभाजन की बात को उठाने लगी थी और इसीलिए कांग्रेस की बात को वह सहयोग नहीं करती थी। ब्रिटिश शासन का परिवर्तित दृष्टिकोण। धीरे धीरे जो ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण था वो भारत के प्रति बदल गया था, क्योंकि इस समय फिर अनुदारवादी दल की सरकार बन गई थी और अनुदारवादी दल की सरकार भारत के प्रति सहयोगात्मक नहीं थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम यह मानकर चलते हैं कि इन सभी परिस्थितियों के कारण 1909 के अधिनियम के द्वारा जो परिवर्तन करने की बात की गई थी वह असफल रही। धन्यवाद।